ये दोस्तों देखो अभी ये क्या बन रहे है, गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे हैं, घटाघट ये गोल गोल बनाए जा रहे हैं और इसमें मट्टी आंच पर उबल रही है और ये चाशनी में इनको चाशनी के गप्पे गोल गप्पे चाशनी के गोल गप्पे गुलाब जामुन को। और ये क्या है भैया? ये बर्फी बन रही है। भैया बर्फी है, देखो खोया खिंच रहा है। और वो क्या माल है? वो क्या है? अच्छा ये नारियल वाले लड्डू है भैया, ये देख लो, मतलब राजस्थान में भैया ये पेड़ी है, खोया रहता है ना दूध का खोया, ये सब उसकी पेड़ी है, नारियल के लड्डू है, ये बर्फी की है और ये गुलाब जामुन बन रहे। कितना किलो बनेंगे, कितने मतलब भगुने बनेंगे ये गुलाब जामुन? छह भगुने गुलाब जामुन भाई साहब, देख सकते हो तुम। कौन सा बड़ा वाला साइज का ये भरकर? ये भरकर गुलाब जामुन बनेंगे, एक बार बनने के बाद दिखाऊंगा मैं तुमको। और ये बर्फी का जुगाड़ देख लो, ये अभी सूखने के लिए मतलब ठंडा होने के लिए एक पेड़ी से भी बर्फी तैयार की जाएगी, है ना? तो दोस्तों बने रहिए, बाकी की वीडियो और दिखाता हूं, अभी बनाने दो, मैं भी रेस्ट कर करके बना रहा हूँ। खोए खोए तो यार बर्फी बर्फी है ना। नारियल के लड्डू की ट्रे सज चुकी है, अब देख सकते हो दोस्तों। अंकल जी देखो नारियल के लड्डू और यह भर चुका है, ये मूंग का हलवा है, सादे लड्डू की वो ट्रे भरकर इधर रसगुल्ले रसगुल्ले भर चुके हैं, बाहर और दिखा दिया चाशनी में डूबने वाले, और वो मठड़ी है मसालेदार और वैसी, और बालूशाही तैयार हो चुके, बालूशाही है ना वो तैयार हुई है, तो बालूशाही तैयार होगी, चाशनी में डुबा कर रखना है बस। ये भैया बालूशाही के अंदर चाशनी पिलाई जा चुकी है, बालूशाही तैयार है ढकोलों में भरकर, और एक ये ढकोला तैयार है, ये मीठी पापड़ी पर चाशनी है, और भैया मसाले वाले आलू की कच्ची सिकाई की जा रही है, पकौड़ी की डबल सिकाई बाद में होगी, अभी कच्ची सिकाई है, इसमें आलू बल रहे चाट के लिए, कच्चे आलू तैयार हो रहे हैं। ये हमारे मेन ओनर पिकल डोन, मेन डोनर है, मेन हलवाई है ये, इनके ही सानिध्य में पूरा कार्य काम संभाला जा रहा है। वैसे इनकी शिकल है ना सलमान खान की सी लगती है थोड़ी थोड़ी। ये गोभी काटी जा चुकी है गोभी की सब्जी के लिए, और यहाँ का तुमको एक तरीका दिखाऊं, ये दाल वगैरह भिगो चुके हैं सुबह बनाने के लिए, मशीन आ चुकी है दाल को ग्राइंड करने का, पालक है यहाँ, जैसे टमाटर और अदरक को एक साथ उबाला जा रहा है, जैसे ये बाउल हो जाएंगे तो ग्राइंड करके इसकी चटनी बना दी जाएगी अलग से, और इसका अंदर भी छोले है, छोले उबल रहे भैया, छोले में बहुत झाग निकले थे, ये पूरा वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये झाग है जिसको फेंका गया था, क्योंकि हर चीज़ में आजकल पाउडर की पॉलिश की जाती है ताकि चमक अच्छा हो, तो यहाँ पहले उबाला जाता है, झाग फेंका जाता है, गंदगी हटाई जाती है, फिर सब्जी बनाई जाती है, ऐसा ही दाल में किया था। देखो आलू में देख सकते हैं, ये आलू है और ये आलू का जो काला काला झाग है ये इसका अंदर दवाइयों का वो सिस्टम रहता है जिसको उबाल कर हटा दिया जाता है। और भैया इसमें भी जो इमली का वो है भिगो के तैयार किया जा रहा है, इसमें अदरक उबाली गई, ये क्या है भैया? ये तो मसाले वाली पपड़ी है, और ये शायद पाव भाजी का जो माल है उसको तैयार किया जा रहा है आज का। इसके अलावा देख सकते हो हमारे धनिया वनिया भैया जी काटने में लगे पड़े, टमाटर समाटर पूरा सामान, पाव भाजी के पाव आ चुके इधर, उनके कार्टून वगैरह भरकर रख चुके, पाव भाजी सांझ को रहेंगे, वहाँ पर सूप वगैरह रहेंगे, और बाकी का ये मैं दिखा चुका हूँ कई बार आपको, है ना? ये यहाँ पर वो रखाई जाएगी तंदूर, ये तीन तंदूर जलेगी एक साथ यहाँ पर, लकड़ी पीछे पटी है, तीन तंदूर चलेगी। और भैया राजस्थानी शादियों के अंदर एक ये जरूर बसता है, आप देख सकते हो, मंदा डांस कर, कुछ लोग आने लग गए हैं शादियों में अटेंड करने के लिए, और ये भैया पूरी गली में वहां से लेकर वहां तक मंडप सजाया जा रहा है, आपको दिखा दूं एंट्रेंस कैसा रहेगा, यहाँ पूरे गली के लोग अभी भजन कीर्तन हो, जो मेन दरवाजा है उसको सजाया, चुन्नी उन्नी लगा कर सजाया जा रहा है, अभी तो कुछ नहीं है, और एक वीडियो इसके साथ कनेक्ट कर दूंगा नाइट में, तो आपको दिख जाएगा कैसे सजाया गया है।
अभी तो कुछ भी नहीं है, सड़क है, भैंसे वैसे सब बंद रही है। अंकल जी, हाँ यार, अभी तो कुछ नहीं है, देख लो भैया, और एक बार रात को झलक दिखला देंगे। कुछ नहीं है, नीचे पड़े सजने के बाद, ये भाई ऊपर सजा रहे। दोस्तों आपके सामने पनीर मटर की देख सकते हो क्वांटिटी, कितने लोगों का है पिकल भैया? 2000 लोगों का ये पनीर मटर है। उधर पकौड़ी जो स्नैक्स में होते हैं पकौड़ी, उसकी डबल सिकाई होगी, एक सिकाई पर निकाल चुके हैं। और ये पनीर है, कुछ ये है कुछ वो है। ये खड़ी पकौड़ा, ये खड़ी पकौड़ा है, और इसमें कौन सी सब्जी है? ये छोले की सब्जी है भैया, ये आलू गोभी मिक्स वेज, और रायता है, दही का रायता बनाया जाएगा। ओ भैया जी, दाल है तड़का वाली, बिना तड़के वाली, दो अलग अलग है। और ये रायते में गिरने के, दही में गिरने के लिए, मिक्स करने के लिए, दही में गिरने की जो नुक्ती होती है उसका नुक्ती तैयार कर रहे हैं हमारे दाल का भैया, देख सकते हो आप लोग। और ये तो भैया खाने की तो मैं एक साथ ही वीडियो जोड़ कर, अभी तो ये बनते हुए, इसमें क्या आलू, और यहाँ पर इन्होंने चाउमीन वगैरह और उसके लिए ये तैयार कर चुके, काट कर देखो, ये शिमला मिर्च वगैरह, फास्ट फूड की, यहाँ फास्ट फूड की तैयारी हो रही है सब। और ये बारदाना है ही, ये तो खैर मैं बार बार क्या दिखाऊँ। सुबह जो इसमें काम चल रहा था आपने देखा था सुबह, और इस समय आप देखिए, मतलब इसको पूरा डेकोरेशन कर चुके हैं, और इसके अंदर ये पूरी पूरी स्टॉल, यहाँ शायद फास्ट फूड वगैरह रहेगा। अभी तो मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ, अभी तो चल्लू होने का कुछ भी नहीं है। यहाँ ये कैटरिंग का पूरा सजा है, और ये इतने आइटम लगे पूरा वहाँ से लेकर, ये सस्ता हुआ रहा है, और ये पूरा आइटम है। इसके अलावा यहाँ शायद थाली वाली का सिस्टम कुछ करा होगा, सलाद प्लेट का और सलाद का काउंटर लगा है, और उसके अलावा यहाँ पर फास्ट फूड का रहेगा पूरा पूरा, ये अलग से काउंटर लगा है फास्ट फूड का, वहाँ से वहाँ तक का काउंटर, उसके अलावा कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स का अलग, और बीच बीच में ये तो एक लंबा पूरा पूरा, आपने देखा सुबह कैसा था, और अब शाम को पूरा इसको सजा दिया। इसके अलावा आप देखिए, मतलब कितना गजब, कितना सुंदर, मतलब ये काउंटर को सजाया गया है, आप देख सकते हो। इनका खुद का कैटरिंग का काम है, या पूरा पूरा आप देख सकते हो दोस्तों किस तरह का काउंटर जमाया गया है। और सांझ को और शाम को कैसी व्यवस्था रहती है वो हम शाम को दिखाएंगे, मतलब जो खाना चालू हो जाएगा जब। हालांकि मेरे यहाँ 3-4 दोस्तों की शादी है, तो मैं 3-4 दोस्तों की शादी को अटेंड करने के बाद ही आऊँगा, तो बने रहिए ब्लॉग में।